ऐसा नहीं, हमारी मीटिंग लगातार हो रही है और ये बात बिल्कुल सच है कि जो टिकट आवंटन इस बार होगा वो शुद्ध रूप से मेरिट पे है और मेरिट पे होना भी चाहिए। ये तेरा मेरा करके कभी कभी विवाद पैदा होता है, उसको खत्म करकर जो लोग धरातल पर हैं, जो जीतने की संभावनाएं रखते हैं, उस आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी करेगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर हम अंतिम निर्णय पार्टी लेगी। AICC और PCC लगातार चर्चाएं हो रही हैं, हमारे पर्यवेक्षक लगातार गाँव में, ढाणियों में, कस्बों में जाके कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं और सबसे बड़ी पूंजी हमारी हमारे कार्यकर्ता है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि कार्यकर्ता अगर हमारे मजबूत रहेंगे तो हमें जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्राइटेरिया ये है कि हमें चुनाव जीतना है, क्राइटेरिया ये है कि जो उम्मीदवार जिताऊ है उसको पार्टी सिंबल देगी, वो जीत कर आएगा और जिसको नहीं मिलेगा वो उस उम्मीदवार का सपोर्ट करेगा। युवा एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि आपकी जो उदयपुर में जिनका चिन्ह हुआ था उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को मौका देंगे। तो आप टिकट का जब फाइनल लिस्ट आएगी देखिएगा कि जितने लोगों को हमने पिछली बार मौका दिया था युवाओं को उससे ज्यादा हम लोग देंगे, लेकिन विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, नौजवान है, हमारे SC ST OBC दलित माइनॉरिटी सब लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन विनेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत गहन रूप से चर्चा हो रही है, अध्ययन हो रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है अलग अलग सोर्सेज से और कांग्रेस का जो आलाकमान है बहुत गंभीर है कि कैसे हम जीता उम्मीदवार को टिकट यहाँ पर। नहीं, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। कार्यकर्ताओं की ताकत पर रिपीट होगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज उत्साहित है, वो जानता है कि भविष्य हमारा है, नौजवानों के दम पर, किसानों के दम पर और जो अभिलाषा कार्यकर्ताओं के मन में है उसको पूरा होते हुए देख वो तब संभव होगा जब हम सरकार दोबारा बनाएंगे और यहाँ चुनाव जीतने के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होगा वहां पर हम भी बहुमत लेकर एनडीए को हराएंगे। जा रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जनता समझ रही है कि उनके आने का, दौरे लगाने का, बार बार करने का उद्देश्य क्या है। अगर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की भलाई की बात होती तो मैं समझता हूं जो पिछले 5 साल का कार्यकाल निकला है केंद्र सरकार का उसमें सारे सांसद बीजेपी के थे, 25 के 25, और राजस्थान की जो विशेष मांगे थी उनको पूरा करने की चेष्टा भी नहीं करी गई। और अब पिछले 6-8 महीने में लगातार दौरे कर रहे हैं और सब जानते हैं कि दौरे राजनीतिक ज्यादा हैं और प्रशासनिक कम है, लेकिन जो डिमांड्स हमारे स्टेट्स की थी, जो केंद्र सरकार चाहती कर सकती थी, चाहे वो ERCP की हो, चाहे रेल परियोजनाओं की हमारी डिमांड्स थी, चाहे जो राजस्थान सरकार का, राजस्थान के लोगों का जो हिस्सा था उसमें भी विलंब काफी हो रहा है, तो उस प्रकार की योजना नहीं है। वो तो सिर्फ प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और संभवतः वो प्रचार इसलिए ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रदेश के जो नेता हैं भाजपा के उनसे पार पड़ने वाली है नहीं, तो पूरी कोशिश वो दिल्ली के नेताओं से करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर दोबारा हम लोग सरकार बना पाएंगे और जो बाकी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि हम लोग जो ट्रेंड रहा है 3 दशक का उसको बदल कर सरकार दोबारा राजस्थान में बनाएंगे। मध्य प्रदेश में अभी एक परिवार एक टिकट की बात, यही फॉर्मूला राजस्थान में ला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या फॉर्मूला है, क्या रणनीति है, किसको टिकट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, किसका काट रहे हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो स्टेटमेंट्स मध्य प्रदेश के नेताओं के आए हैं टिकट मिलने के बाद वो बहुत उत्साहित नहीं थे और सब कतरा रहे हैं कि हमको कहाँ चुनाव लड़ाने के लिए भेज रहे हैं। स्थिति धरातल पर बहुत मजबूत है और पिछले कुछ हफ्तों में जो लगातार मूवमेंट हुआ है, खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, हम सब लोग फील्ड में गए हैं, तो नौजवान, किसान वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग मध्यम वर्ग समझ रहे हैं कि भाजपा की नीतियों से उनको आहत हुए हैं, आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज थी संभावनाएं कम हुई हैं, रोजगार लग नहीं रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है और लगातार जो ये प्रचार और भाषण और विवादित जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उससे भी लोग त्रस्त हैं, उनको पसंद नहीं कर रहा है। बेवजह हर चीज पर, मुद्दे पर कंफ्यूजन क्रिएट करना, अफवाह पैदा करना और नारे अब लोग सुन सुनकर थक गए हैं, नारे पुराने हो गए हैं, लोग विकास चाहते हैं। 10 साल का समय दिया है भाजपा की सरकार को, पूर्ण बहुमत की सरकार, हमारी सरकार कोलिशन सरकार थी, फिर भी हम लोगों ने नरेगा हो, गरीबी उन्मूलन हो, तमाम तरह की योजनाएं बनाई। केंद्र सरकार उस प्रकार का काम करने में असहाय रही है और अब जनता थक चुकी है और इसका जो शुरुआत होगी एनडीए और बीजेपी के पतन की, वो शुरुआत राजस्थान से होगी, मध्य प्रदेश से होगी, छत्तीसगढ़ से होगी। ये सब पुरानी बातें अब सब धूमिल हो चुकी हैं, ट्रेंड बदल रहे हैं। पहले कहते थे कि
पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस मजबूत रहती है, ईस्ट में नहीं रहती है। पिछले चुनाव में हम लोग ईस्ट में अच्छा परफॉर्म किए, मेवाड़ मारवाड़ दोनों में अच्छा परफॉर्म किए। तो लगातार स्थिति बदलती रहती है। अब अनेक परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन पब्लिक का जो मूड है वो देश भर में, हमारा अलायंस जो इंडिया अलायंस हुआ है उससे भी एक सकारात्मक चेंज लोगों के थॉट प्रोसेस में आया है। लोग समझ रहे हैं कौन मुद्दों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, जो यात्रा निकाली भारत जोड़ो यात्रा, जो हम लोग जीते हैं हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, उससे एक बहुत सकारात्मक वातावरण पैदा हुआ है। उसका लाभ निश्चित रूप से हम लोगों को राजस्थान में मिला। वोट सरकार को दिया, सरकार पार्टी बनाती है, पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनके दम पर हम लोग जनता तक पहुंचते हैं, सरकार निर्माण होता है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है तभी तो जनता विश्वास कर रही है। और भविष्य में लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। आज भी आप देखिए 4.5 साल हो गए, भाजपा ने सदन के अंदर सदन के बाहर कभी भी ये कोई अपना विजन, कोई अपनी सोच, कोई अपनी रोड मैप राजस्थान के बारे में नहीं दिए। वो आलोचना करना, आरोप लगाना, छोटा मोटा हंगामा करने की कोशिश की है, लेकिन एक व्यापक राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए उनकी क्या सोच है, वो क्या करना चाहते हैं, इसमें बिल्कुल गौण है। वो सिर्फ विवादित मुद्दों को, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भाषा, इन पर चर्चा करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। बाकी प्रदेश में भविष्य के लिए वो क्या ऑफर कर रहे हैं इस पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। सवाल क्या है? ये तो स्टेटमेंट है ना, आपका सवाल क्या है? देखो ऐसा नहीं है, देखो चुनाव का समय है, कुछ लोग पार्टी छोड़ेंगे, कुछ ज्वाइन भी करेंगे, ये व्यक्ति का निर्णय होता है। सही है या गलत निर्णय जनता तय करेगी, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को साध रही है, और कहीं छोटा मोटा कर अपने आप को हमको कोर्स करेक्शन करना भी है, उसका लगातार कर रहे हैं। राहुल जी व्यक्तिगत रूप से राजस्थान पर पूरा ध्यान केंद्रित है उनका, उनके दोबारा दौरे यहाँ पर चालू होंगे, तो पार्टी मजबूत है और जीतने की स्थिति में। देखिए इंडिया अलायंस हमारा राष्ट्रीय गठबंधन है, लेकिन राजस्थान में हमेशा चुनाव दोनों पार्टी के बीच में होता है, भाजपा और कांग्रेस। मैं मानता हूँ कांग्रेस मजबूत इतनी है कि अपने नंबर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है।